सोने टीवी देख रहे तमाम दर्शकों को मेरी क्रिसमस, बहुत बहुत मुबारक हो आपको ये त्योहार। अर्चना जी, हर कोई लाइफ में नंबर वन बनने के लिए मेहनत करता है। हमारा ये दिनेश है ना, ये हमेशा ही नंबर वन स्टूडेंट रहा है। हाँ, चाहे 100 नंबर का एग्जाम दे के आए, चाहे 10 नंबर, इसका एक ही आता था। और लोग बड़े होके अपने पैरों पे खड़े होते हैं ना, ये बचपन में खड़ा हो गया था, पता है? हाँ, क्लास के बाहर खड़ा रहता था ये, मेरा बचपन का यार है ये पांडे जो है। इसको तो इतनी नंबर वन बोलने की आदत पड़ गई ना, इससे कुछ भी पूछ लो, पांडे म्यूजिक कैसा भाई, नंबर वन। एक बार इसकी बीवी ने पूछ लिया, कहती बगल वाली मिसेस गुप्ता कैसी, कहता नंबर वन। वो भड़क गई इस पे, कहती तीन बच्चे मेरे से और नंबर वन मिसेस गुप्ता, इसको अंदर ले गई। बाद में बाहर आया तो मैंने कहा क्या हुआ, कहता कुछ नहीं भाई, ये दांत तो मैंने वैसे भी निकलवाना ही था। अच्छा, नंबर की इतनी अहमियत हो गई है, लोग वीआईपी नंबर के लिए बड़े बावले हुए पड़े हैं। मतलब आपको पता नहीं है, वीआईपी नंबर जो होते हैं उसके लिए बोली लगती है। अच्छा? ये हमारा तबले वाला नहीं आकाश, हाँ, इसने 70,000 रुपए में स्कूटर का वीआईपी नंबर लिया। 70,000? हाँ, इसकी बीवी बोलती स्कूटर कहाँ है, कहता वही बेच के तो मैंने प्लेट ली है। अब उसी नंबर प्लेट पे बैठ के आता ही है, यकीन ही तो घुमा के देख लेना पीछे छपा हुआ MUM1974। दिनेश एक बार जूते की दुकान पे जाके बोल रहा है, मेरे को 95 नंबर का जूता दिखा दो। 95 नंबर? कहता भाई जो तुझे चाहिए वो अंडरवेयर होता है, जूते 15 नंबर तक ही आते हैं। मैं आज नंबर्स की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज हमारे बीच फिल्म कूली नंबर वन की स्टार कास्ट आ रही है। प्लीज वेलकम यूथ सेंसेशन मिस्टर वरुण धवन एंड ब्यूटीफुल सारा अली खान। वरुण, सारा ही है? हाँ, सारा ही है सर, सारा का सारा, सारा है, सारा का सारा। आधी हो गई। हाँ, अब हरकतों से लग रहा है कि सारा ही है। सारा, ये मतलब अच्छी बात है, मास्क पहनना चाहिए, हम लोग घर से पहन के आते हैं, लेकिन शूटिंग से पहले उतारते हैं, हमारी सारी टीम का कोविड टेस्ट हो चुका है और आप उतार सकती है मास्क। नहीं नहीं नहीं, आप पे मुझे भरोसा है, वरुण पे भरोसा नहीं है। चार लड़कियां पहले भी घुमा चुका बोल के कि सारा मुंह पे मास्क लगा के ना, तो हम लोग कंफर्म करना चाहते हैं, आर यू रियल सारा खान? और यस, कोई हरकत करके बताओ, हमें आइडिया हो जाए कि हाँ चिल्ला के या हंस के। सारा ही है, जोरदार तालियां सारा के लिए। मैं निकाल दूं। मुबारक हो। सारा ही है, हम ही है। इतने लड़के मरते इस पे पाजी। किस पे? आप पे। रियली? हाँ, मैं इनके साथ काम कर रहा था तो मुझे आयुष्मान, कार्तिक, विक्की कौशल, रणबीर कपूर सब ने मैसेज किया था। क्या? अच्छा, क्या बोल रहे? कि बच के रहना। पर आप दोनों की जोड़ी इतनी हिट लग रही है और हमने ट्रेलर देखा, इतना कलरफुल ट्रेलर है, बहुत बहुत मुबारक आपको, आपकी फिल्म तो हिट ही है। बट आप इसके पहले जो बात कर रहे थे नंबर वन के बारे में, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आपसे स्पेशली, कि नंबर वन सच में द कपिल शर्मा शो है। थैंक यू ब्रो। क्योंकि लॉकडाउन के वक्त बहुत लोगों की हिम्मत टूट गई थी, बहुत लोग निराश हो गए थे, दैट गिवन अप होप, यू नो, क्योंकि कोई एंटरटेनमेंट नहीं था कहीं पे भी दुनिया भर में। एंड जेन्युइनली जब ये शो वापस टीवी पे आया, मैंने आपको मैसेज भी किया था, मैं इतना खुश हुआ था देख के, जस्ट टू लाफ अगेन, यू नो दैट फीलिंग, एंड देयर इज नो वन बेटर देन कपिल एंड आपकी टीम, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ अस। थैंक यू। और आप जब इतने प्यारे प्यारे शब्द हमारे लिए इस्तेमाल करते हैं और एनकरेजमेंट मिलती है, लेकिन क्रेडिट गोज टू अर्चना जी शुरू करवाने में, तो थैंक यू बोल मुझे फिर, तेरा शो मैंने शुरू करवाया, थैंक यू बोल। मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ, आपको आपकी गाड़ी पर कपड़ा मारता हूँ और क्या करूँगा, थैंक यू आपको बोलूँ। आज सच बोला इसने। आइए विराजमान हो जाइए जहाँ पे आपका मन करता है, सोफे बहुत है हमारे पास, एक एक्स्ट्रा रखा हमने, देखो आप। कुली नंबर वन जो पहली आई थी 1995 में आई थी, ये हम पैदा हुए थे, ये हम कौन हुए थे, मतलब एक साथ इकट्ठे नहीं पैदा हुए थे हम लोग, अकेले हम। अच्छा, मैं भूल जाता हूँ, इस नवाब भी है ना थोड़े थोड़े, मैं पैदा हुई थी, मुझे लगा शायद और दो लोग आए। नाइस ना, हम नाइस, अच्छा लगता है हम जब पैदा। तो जब 1995 में फिल्म आई, वरुण आप तो बहुत छोटे होंगे उस समय, वो भी पैदा ही हुए। नहीं, मैं पैदा नहीं हुआ था, मैं 87 में पैदा हुआ था। 87 में पैदा हुआ था, तो आप सेट पे जाते थे कुली नंबर वन? नहीं नहीं, कभी नहीं गए। मैं सच बोल रहा हूँ, जब भी चिची भैया और डैड साथ में काम करते थे तो मुझे डिफरेंस नहीं पता चलता था काम के बीच में और मस्ती के बीच में। राइट, क्योंकि पहले तो वो इतने रंगीन मिजाज के इंसान है। राइट, एंड देन दिस कादर खान, दिस शक्ति कपूर, तो इनका जो बिहेवियर होता है तो नॉर्मली ऐसा लग रहा है कि कोई मस्ती, बोला देन नॉर्मल नहीं है ना ये बिहेवियर। राइट, सो वो लोग जैसे बिहेव करते, एंड आई रिमेम्बर चिची भैया वॉक, यू नो, जस्ट वो चश्मे पहनते थे राउंड वाले, एंड ही वुड जस्ट वॉक लाइक दैट, एंड उनका बॉय होता था जगदीश, जगदीश, और स्टील के ग्लास में वो पानी पीते थे, जल पीते थे, और फिर बैठ जाते थे, और कॉम्पिटिशन दे रहा है मुझे जल, इधर ऐसे जमीन पे बैठते थे
और सीन पढ़ते थे ऐसे, हाँ डेविड हाँ कर लो यार, हाँ तू कमा ले, हाँ ऐसा ऐसा कर लो यार, ऐसा 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 करते रहते थे दोनों. तो मुझे समझ में नहीं आता, कुछ कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा था, जैसे मेंटल टेलीपैथी होता है ना. हाँ ठीक है टेक, चल डेविड टेक, लगा. तो वो जो एक कलाकार की जो कमांड है या एक ऑरा, he had that aura around him, you know. पर तब कभी आपके दिमाग में तो नहीं आया होगा कि ये फिल्म एक दिन मैं भी करूंगा वापस, कभी दोबारा इसका रीमेक होगा? और नो, नेवर. इस बार भी मतलब आप हो, सारा हो और बाकी जो सपोर्टिंग कास्ट में भी हैं, परेश जी हैं, जॉनी भाई, जावेद सर हैं, मतलब कमाल की कास्ट है, क्या बात है. बहुत मजा आने वाला लोगों को. अच्छा, सारा ने इस साल लव आजकल भी की और उसके बाद कुली नंबर वन. तो टोटल कितनी रीमेक की डील हुई आपकी डायरेक्टर्स के साथ? क्या बोले, बस इतनी, बस इतनी. बहुत गुन्नी एक्ट्रेस है, पता नहीं कितनी फिल्में साइड. अभी मुंह से निकल भी गया था बैक स्टेज कि अभी एक और फिल्म है ना जो मैं अभी, तो अभी नहीं बोल, मत बोलो. नहीं नहीं अभी नहीं बोलते. पर शूटिंग कर रही हो अभी, तो बोल सकती हो? नहीं 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 बोल सकते. अभी तो आनंद राय सर के साथ शूटिंग कर रही, वो तो पता ही है. पर लोगों को थोड़ी ना पता चला कि आनंद राय की सर शूटिंग कर रहे हैं साथ में धनुष है, ऐसे किसी को थोड़ी ना पता चलेगा. अक्षय कुमार भी ऐसे थोड़ी, किसी को क्या पता चलेगा. आप लोगों ने बोल दिया सबको. मैं छुप छुप के जाती थी शूट पर, किसी को पता नहीं था. एडल्ट फिल्म है. मतलब छुप छुप के? पर वैसे छुप छुप के क्यों जाती थी शूट करने? यही मास्क की प्रॉब्लम, यही ना जी, यही इस वजह से. अच्छा, तो जो धनुष के साथ शूटिंग की वो हेलमेट पहन के की थी उसने? अच्छा, आप दोनों की पहली फिल्म है वरुण. हाँ, आप मतलब सारा के साथ? हाँ जी, सारा के साथ पहली फिल्म है. तो आप बचपन से जानते थे इनको, बड़े होकर मिले हो या बचपन से नजर जिंदगी में? नहीं, बताओ 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 सबको. एक बहुत ही फनी इंसिडेंट है. स्टूडेंट ऑफ द ईयर मैंने रिलीज हो गई थी और आई हैड गॉन टू द जिम. तब एक बच्ची लिटरली चश्मे पहन के भाग रही थी इधर से उधर फोन पे. तो मैं लिफ्ट के अंदर जा रहा था, ये बच्ची लिफ्ट से बाहर निकली. बच्ची बच्ची मत बोलो, मतलब. तो मैं अंदर चला गया चुकी थी. और जो ये बच्ची थी ये घूम के वापस अंदर आ गई लिफ्ट में और फोन किया किसी को. और फिर मुझे घूर रही थी, हंस रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी. मैंने नंबर और मैं सोचा कि ये लिफ्ट में किससे बात कर रही है फोन पे, क्योंकि नेटवर्क तो होता नहीं है लिफ्ट में. ओह गॉड, you know I'm here, I'm doing this and all that stuff. I know yeah, dude. Oh yeah, really I'm very busy. So kya fir main nikla wahan se aur main chal ke gaya andar and fir ye piche piche aayi aur fir kuch boli nahi, but kuch boli nahi. Aur ye bachchi Sara hi thi. किसको फोन कर रही थी आप? हाँ, किसी को नहीं फोन कर रही थी, कुछ एक्टिविटी चाहिए होता है ना, मतलब किसी को घूर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो लिफ्ट में, इधर उधर कुछ तो करो. ऐसे एक बहुत ईमानदार है. एट दैट टाइम यू हाउ ओल्ड वर यू? हाउ ओल्ड वर यू? मैं होगा कुछ 23 का. सो तो 10 साल छोटी है, तो लाइक 8-9 साल. 15 यहाँ. नहीं, मुझे पता है अभी कैसे लगा, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ. वो लोग बच्ची वो लोग बोलते ना कि जब हीरोज की उम्र हो जाती है फिर वो लोग आधे से कम उम्र वाले हीरोइंस के साथ काम करते हैं. मुझे ऐसे लग रहा है अभी. आप हमारे यंगेस्ट. अरे हम कौन है यार? आप मेरे यंगेस्ट. हम सारा फिल्म में वरुण कुली बने हैं. हाँ जी. तो जब आप ट्रैवल वैवल करते थे साथ में, हाँ जी, तो आपको कुली की जरूरत पड़ती थी या वरुण काफी था? वरुण हमेशा काफी. उठाते थे आपका सामान? हाँ, हमें भी उठा देते सामान का. तो ठीक था. ये मामले में वरुण बहुत अच्छा है, बहुत डिसेंट बच्चा है. बहुत ही. आपने देखा ना कैसे मुझे गोद पे बिठा कर लिया. हाँ. वरुण फिल्म में तो आप सामान उठा रहे हो, सही सही बताना. हाँ, अभी आप सुपरस्टार हो, घर पे कभी सिलेंडर उठा के इधर उधर रखा है? घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है पहले तो, मतलब जिस तरीके से जेन्युइनली, मतलब इसके बहुत मैसेजेस आते हैं मुझे, अरे गाना दिखा दो या घर ये दिखा दो, प्लीज ये भेज दो, ये करा दो. बट मेरी कोई सुनता ही नहीं है. स्पेशली मेरा जो भाई है वो मुझे बहुत इल ट्रीट करता है. मतलब अगर कुछ भी काम चल रहा है फिल्म का, मतलब भैया आई वांट टू से, अरे गेट आउट फ्रॉम हियर, डोंट वांट योर सजेशंस, मेरे को निकाल देते हैं. डायरेक्टर वाला फील होगा ना, मैं भी डायरेक्टर हूं. अरे बट मैं बेवकूफ थोड़ी हूं, मैंने भी तो काम. और फिर वो दोनों गैंग अप कर लेते हैं, डैड और भैया रोहित, दे गैंग अप ऑन मी कि तुम्हें कोई समझ नहीं है, कैसे फिल्म करते हो तुम, अभी एक दो चली नहीं ना तो. तो मम्मी को कंट्रोल में रखो ना. मम्मी अच्छी है. मम्मी है जो दोनों डायरेक्टर पे छा जाएंगी.
मम्मी बहुत अच्छी है, मम्मी को जो इमोशनल फिल्म्स है वो सब बड़ा अच्छा लगता है, जैसे मैंने जब बदलापुर किया था या अक्टूबर किया था, मम्मी बड़ी खुश होती है वो सबसे। बड़ी कमाल की फिल्म थी बदलापुर एक्चुअली। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि अर्चना जी पूछ रही थी वरुण से पूछना कभी इसने सामान उठाया नहीं, क्योंकि ये सामान उठाया, ये अपना सारा सामान परमीत सर से उठवाती है और अगर बेचारे कहीं मना कर देना उनको यहाँ से उठाती है, पटकू क्या, वो आदमी वैसे घबरा जाता है क्योंकि उठाने में तो नंबर वन है ये, बड़े लंबे चौड़े आदमी उन्होंने उठा के पता नहीं कहाँ गायब कर दिए, जो आज तक किसी से नहीं उठे। पाजी मेरा जो कैरेक्टर है ना ये राजू, तो उसकी एक ही तमन्ना है जिंदगी में कि वो शादी करे किसी से। अच्छा, किसी से भी शादी करने के लिए तैयार है पर उसको कोई मिल रही नहीं है। बट आप स्पेशली ये शो पे आप शादी से डराते क्यों इतने लोगों को? हाँ। नहीं नहीं मैं नहीं डराता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, एक आध एक्सपीरियंस होता है खराब अदरवाइज तो लोगों को पता नहीं चलेगा किसकी बात हो रही है। नहीं नहीं मैं मेरी बीवी तो मैं इतना, मेरी लाइफ में आप बहुत सारे चेंजेस आए हैं मेरी वाइफ की वजह से आए हैं, शादी बहुत अच्छी चीज होती है। बिल्कुल चेंज नहीं आया, लड़कियों के लिए करता है, लड़कियों के लिए कह रहे हैं फ्लर्ट करता। अभी क्या करूं मैं, मेरे को वो भी पूछती कभी कभी, अभी मेरे को भारती बता रही थी नोरा फतेह तुम्हारे सेट पे आई थी तो मैं क्या करें, नहीं नहीं तुम उसके साथ डांस करें, तो मैं कहा नहीं करूंगा, अगरबत्ती जला के बैठ जाऊं वही, इसी बात के तो पैसे मिलते हैं, तो ये सिर्फ ऑन स्क्रीन करता रहता हूं, बाकी तो क्या है मतलब, बाकी तो मन में ये इच्छाएं सारी। अच्छा अभी सारा ने रोहित सर की फिल्म की, रोहित शेट्टी की, तो वो भी फिल्म बड़े लाइट मोड वाली थी है ना, हंसी मजाक था, अभी डेविड सर की फिल्में करी, तो आपको कॉमेडी फिल्में बहुत पसंद है? बहुत पसंद है। और कॉमेडी शो करने वाले लोग भी? बहुत ज्यादा पसंद है। थैंक यू, हम लोग ऐसे ही इम्यूनिटी बढ़ाते रहते हैं और तो कोई है नहीं मतलब। बहुत अच्छा लगता है लोगों को हंसाना, मुझे लगता है इज द बेस्ट थिंग एनीबॉडी कैन डू एक्चुअली। जी, चाहे वो आप हो, चाहे वो वरुण हो, चाहे वो डेविड सर हो, जो भी इंसान स्पेशली इस समय में, राइट, और इस समय का मतलब सिर्फ कोरोना नहीं है, क्रिसमस टाइम है, पॉजिटिव टाइम है, right. लेकिन कोरोना भी है, right. तो ऐसे समय में स्पेशली मुझे लगता है कि अगर आप किसी को हंसा सकते हो तो आपसे बेहतर कोई नहीं। वाओ, इट्स द नंबर वन थिंग टू मेक समवन लाफ। थैंक यू सारा। अच्छा मैं जब पहली बार सारा को मिला था मैंने कहा ये इतनी शरारती लड़की है, क्योंकि मैं आपको दिल से बता रहा हूँ बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारी हीरोइंस आती हैं तो फिल्मों में तो वो काम करती हैं लेकिन ना अदरवाइज थोड़ा नर्वस होती हैं कई बार, लेकिन ये पहले एपिसोड में ऐसा फैली है ना सारा, मुझे लगा यार इतनी कॉन्फिडेंट लड़की, और फिर सडनली आज दूसरे एपिसोड में इतनी अच्छी अच्छी और गुणी ज्ञान वर्धक बातें आपने जो की हैं। हाँ जी, वाओ, मैं संभल गई हूँ, संभल गई है ना। हाँ मम्मी के साथ रह करना लॉकडाउन में। लेकिन वरुण मुझे हमेशा बोलते थे कि थोड़ा रिलैक्स, इतना चिल्लाती क्यों है ये वो। नहीं नहीं मेरा ये मतलब है कि जिस तरीके से आप अपने दोस्तों, लोग हमेशा बोलते हैं दैट व्हेन यू आर इन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म आप जैसे हो वैसे ही बन के रहो, राइट, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि बहुत मेरे साथ हो गया था, बहुत किसी ने छींका गया अभी बट क्योंकि एसी में सुनते हैं कि छींक अंदर ही घूमती रहती है ऐसे सुना है। मैं आपको बताऊं सारा, आप अच्छी बात है बहुत ना एहतियात बरतती हो, लेकिन अर्चना जी जी मतलब आप बिलीव ही नहीं कर सकते किस हद तक जाती हैं, क्या करती खुद है? गाड़ी चला के आती वहां से, ड्राइवर वहां से आता है पैदल, वो फिर यहां पे आके दूसरी गाड़ी में, देखो देखा पैसा, देखो कितना ड्राइवर की अलग गाड़ी है, अलग अलग गाड़ी, फिर आके वो इनकी गाड़ी पार्क करता है, फिर ये अंदर जाते हैं वैनिटी में, फिर वो खाली सैनिटाइज करके उनको वीडियो दिखाता है। पैसे के देख रहे हो? नहीं नहीं, पर्सनल पैसा थोड़ी है आपका, प्रोडक्शन ने दिया होगा। नहीं मैं भी बहुत सस्ती हूँ अपने सैनिटाइजर को लेकर, लेकिन मैं अपना खुद खरीदती हूँ। नहीं ऐसा होता है, कभी कभी हम दूसरी जगह पे जाते हैं ना, दूसरे का सैनिटाइजर ज्यादा यूज करते हैं। मुझे हमेशा ऐसा लगता है लोगों के बाथरूम में जाके, जब उन लोगों का हैंड वॉश, फिर अगर किसी का बोरो करके लिया परफ्यूम, बेसिकली ये कह रही कि ये चोर है। नहीं मैं चोर नहीं हूँ, मुझे मुफ्त की चीजें बहुत पसंद तो हाथ धोती हूँ मैं। मेरी सारी जुतियाँ मुफ्त की होती थी, वरुण मुझे हमेशा बोलता था कि इतनी जुतियों की फोटोज क्यों डालती है इंस्टाग्राम पर, मैं उसे टैग भी करने लगी क्योंकि मतलब मजाक उड़ाता था मेरा, क्योंकि बहुत जुतियाँ टैग करती थी कोई और गुस्सा होता था। हाँ तो छोड़ना, वो तो दिन गए, अब कोई नहीं होगा तो फिर तो जो होटल में छोटे छोटे एक और ताली इसमें तो बनती है, अब हम आपको छू सकते हैं। I got a stitch. Oh. क्या हो रहा है? Take me home. No, I mean send me home.
I haven't been out. I'm so sorry. I'll behave. Okay. Cut lele. New chance. No, I'm good. ये takes जब हम लोग shooting कर रहे हैं genuinely सारा ये करती है shooting अगर कोई परेश जी ने कुछ funny line बोल दिया बीच में ऐसे ये reaction हो जाते हंसने के और हम लोग सब रुक के ऐसे खाली देखते हैं परेश जी मतलब beginning में डर गए थे इससे थोड़ा पर ये funny था ना मतलब मुझे याद नहीं है ओए 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 सारा और वरुण एक साथ सनी साहब थैंक यू वेरी मच आपने हमारी क्रिसमस कमाल बना दी हाँ और तुम दोनों को देख के जो उनका नया साल खराब हुआ उसका क्या ये क्या कर रहे थे तुम लोग हम इंग्लिश में डांस कर रहे थे हिंदी में हम नाच रहे थे संस्कृत में हम नृत्य कर रहे थे आगे बात समझ में या किसी और भाषा में भी उल्लेखन किया जाए अरे पंजाबी में तो समझा उसे वही समझ में आती है अच्छा चार भाषाओं में इसने बता दिया डांस एक भी भाषा में सही नहीं हुआ अरे वो तो ये बताएंगे ना हेलो सारा हेलो वरुण हेलो ये जो हमने थोड़ा सा डांस किया ना उसी कोरियोग्राफी मैंने की थी माइसेल भूरी भूरी हिम्मत तो देखो ऐसा गंदा डांस करके नाम भी बता रही है तुझे रेट्रो बनने की क्या जरूरत है पहले रेट्रो वाली है वरुण सर इसे हमारे डांस की कदर नहीं है इसीलिए इससे देखा नहीं जाता हाँ नहीं तो आप कभी हमारे प्राइवेट इवेंट्स पे आकर देखिए लोग दो दो हजार रुपए देकर जाते हैं इसकी तो एंट्री बैन है उधर प्राइवेट इवेंट भी आपको बताऊं कौन से होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते घर में ये दोनों चले जाते ढोलकी लेके और तब तक नाचते हैं जब तक वो सामने वाला 2000 नहीं देता एक बार तो एक आदमी इतना कंजूस मिल गया उसने पैसे निकाले नहीं ये 5 साल तक नाचते रहे वो 5 साल वाला बच्चा फिर 1000 रुपए दे के गया तो इनको लेके आए वहां इनकी बात बताता नोरा इधर आई ओहो इन भाई साहब ने डांस किया इनका डांस देखकर नोरा ने अपना डांस ही छोड़ दिया वो गजलें सिखाती हैं गजल सिखाती है कि गाती हैं वो सिखाती हैं वो जैसे जितनी उनको आती है और एक बार इसने प्रभु देवा सर के सामने डांस कर दिया पता है हाय हाय हां उन्होंने पता नहीं क्या बोला तमिल में समझ नहीं आया लेकिन एक्सप्रेशन से लगा उन्होंने टॉप 5 गालियां दी वहां वरुण सर चलिए छोड़िए इन इसकी बातों को आप सर चंदू और रुक जाओ मेरे को बात वरुण सर आप डेविड सर को बोलकर जुड़वा 3 में मेरी एंट्री करवा देना मैं तो 3 कैरेक्टर भी कर लेता हूँ हाँ चंदू एस फकीर चंदू एस भिखारी चंदू एस फरियादी कपू शर्मा मेरी बात सुन जितनी मेहनत तुम हम पे बातें बनाने में लगाते ना यही बातें तुम अगर गेस्ट पे बनाओ ना तो हमें बीच बीच में शो खराब ना करना पड़े तुम्हारा क्या बात है चंदू वैसे चंदू ये जो तुमने बात बोली मतलब तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि अपनी कही हुई बात तुम वापस लेना चाहते हो बुरी तुम मेरी तरफ हो मेरी हाँ में हाँ मिलाओ और अब वक्त आ गया है आओ मिलकर हम अपना गिरोह बनाते हैं गिरोह विल यू मैरी मी ओए होए 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 के बच्चे ये गिरोह बनाने के लिए शादी करने की क्या जरूरत है तो गिरोह दो लोगों से थोड़ी बनता है बाकी मेंबर भी तो चाहिए कि नहीं पेमेंट तुम सारी मैच्योर वाली लेती हो लेकिन बातें सारी तुम्हारी नाबालिग हैं देखो गिरोह बनाने का कोई शौक नहीं है मेरी आइडियल सारा है और सारा सामने बैठी है वैसे सारा मैंने ना आपकी पूरी जर्नी ना मैंने देखी है आपने अपने आप को फिट बनाया फिर इंडस्ट्री में हिट भी कर लिया आई रियली लाइक इट तुम भी अपने आप को शो में फिट करो फिर हिट हो लोग सोचते हैं तुम मेरी वजह से इधर आती हो अच्छा थोड़ा कंसंट्रेट करो इसी बात पे कंसंट्रेट का स्पेलिंग हो जाए मेरी बात सुन लो हाँ मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं इधर शूटिंग करने के लिए आता हूँ तुम्हें स्पेलिंग बताने के लिए नहीं आता हूँ ये लो क्या है ये पकड़ो डिक्शनरी और पढ़ते रहो स्पेलिंग अगले एपिसोड में मैंने तुमसे सुनने हैं पहले खुद पढ़ लेते हैं ये डायरेक्टरी है ओहो पहले डी देख के ले आए तभी मैं कहूँ ए फॉर एप्पल क्यों नहीं आ रहा ए फॉर अमनदीप सिंह क्यों आ रहा है चंदू कोई बात नहीं हम जो काम करना है वो कर ले पहले हाँ चलो वही कर लेते हैं वरुण सारा वो क्या है ना हम दोनों ने मिलके पार्टनरशिप में एक एक्टिंग स्कूल खोला है भूचंद एक्टिंग एकेडमी ये कैसा नाम हुआ भूचंद लगता आटे की चक्की लगता ही नहीं एकेडमी है तुम्हारी आटे की चक्की लगनी तो ना आटे की चक्की क्या फर्क पड़ता है हम बच्चों को जो हुनर सिखाएंगे उसके बाद उनके घर में आटे की कभी कमी नहीं होगी ओह माय गॉड मार्क माय वर्ड्स कप्पू इसका अच्छा है शुरू ये गरीबी वाली लाइन से करती है एंड ये सेंसेक्स वाली लाइन पे कर देती है
तेरा पता नहीं चल रहा कौन सी कंट्री की, इंडियन है कि भूटानी है कि नेपाली है कि बांग्लादेश से है, मिक्स है कर रही मेकअप तू सारा अपना। यार मेरी बात सुनो, मुझे काम की बात करने दो। हाँ। अच्छा सर, वरुण सर, अगर एक्टिंग की बात थोड़ी बहुत निकली तो मैं आपको बता दूं, वो मिशन इम्पॉसिबल फिल्म नहीं आई थी, उसमें जो टॉम क्रूज ने किया था, अगर वो करेक्टर मैं करता ना तो आई थिंक मैंने थोड़ा बेटर करना था। नहीं, आई एम नॉट बोस्टिंग, आई एम नॉट बोस्टिंग। अच्छा इसकी हिम्मत देखो, वो एक्टर का नाम लेगा जहां तक बात पहुंचनी नहीं है, हिम्मत है तो आशुतोष राणा का नाम लेके देख, उल्लू करके आएंगे और गुलू करके जाएंगे तेरा। वो तो मेरी क्यूटनेस है इसलिए वो गुलगुल कर जाता है हर कोई बंदा। अच्छा, अगर मेरी क्यूटनेस का जादू सारा पे लग गया, इन्होंने मेरे को गुलगुल कर देना है। ये गुलगुल गुलगुल सुनो। हाँ। नारा ना पजामे में अच्छा लगता है, बेल्ट की जगह नहीं ले सकता। वाह वाह, देख लो इसीलिए नारा पजामे के साथ ही आता है हमेशा। कौन पजामा, मैं एकेडमी की इक्वल पार्टनर हूँ वरुण, मैं पैसे नहीं डालती ना तो आज ये एकेडमी नहीं होती। बिल्कुल पैसे तो इसने ऐसे लगाया जैसे इसने लाखों रुपए लगा दिया, 350 रुपए लगाया इसने, वो भी 350 रुपए की कुर्सी जिसपे ये खुद ही बैठ जाती है। और मेरा नाम जुड़ा है साथ में इसीलिए तुम्हारी एकेडमी चल रही है। वरुण आपने तो कुली नंबर वन में बड़ा लगेज उठाया होगा। हाँ। हमारी भी ये दो बोरियां उठा के किसी अनजान ट्रेन में लोड कर दो। देखो कप्पू, अगर वरुण कुली है तो आज ये भूरी बोरी बनने के लिए तैयार है। वरुण सर, हाँ जी, अगर आप ये बोरी मेरी झोली में डाल दें तो ना बैठ, तेरी लेदर की पैंट फट गई ना तो तुम्हारा ध्यान उधर ही जाना है। चुप कर जाओ भाई, मेरे को मन्नत मांगने दो। तो सर ये बोरी अगर आप मेरी झोली में डाल दें तो आपका बहुत धन्यवाद होगा। चंदू मैं ना तुम्हारी झोली फाड़ दूंगी, मैं बोली तो मैं तुम्हें जमीन में आधा गाड़ दूंगी, और अब अगर तुमने कुछ बोला ना मैं तुम्हें बीच में से फाड़ दूंगी। ओए इतना टॉर्चर पति सहता, बॉयफ्रेंड नहीं। अगर ऐसा करना है तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी, कि कौन से सपने देख रहे हो तुम? आखिर कमी क्या है मुझ में, जब से मैं आया हूँ देखो सारा मेरी तरफ देखी जा रही है। पहले तू तो देख उसकी आंखों में, इधर उधर देख के बातें करी जा रहा है। कोई बात नहीं, जब एपिसोड आएगा मैं भी देख लूंगा। अभी देखना, जब भी सारा डांस भी कर रही थी ना, सारा इसकी तरफ 5 बार देखा, ये अकेले लगे। कॉन्फिडेंस तो ला, कॉन्फिडेंस नाम की चीज ही नहीं है इसमें। अब नहीं कॉन्फिडेंस है तो मैं मर जाऊं। खैर मैं सारा, मैं वरुण सर, एक्चुअली बात खुली की तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, खुल के बोलिए। जो मैं जब भी अमीर हुआ है, खुल के बोलिए, आपके अंदर बहुत दबा हुआ है। हाँ। जब भी मैं अमीर दिखाई है, जब भी आप अमीर की एक्टिंग करते हो क्या होता है? जब भी मैं अमीर लोगों के ब्लश क्यों कर रहे हो हमें देख के? जब मैं अमीर लोगों के बीच में जाता हूँ तो मेरा जो कॉन्फिडेंस ना वो लो हो जाता है। बट अमीर कौन है इधर? अमीर नहीं है, मेरी तो कोई शूटिंग ही नहीं हुई है 6 महीने से, मैं गरीब हो गया हूँ। आप जैसा गरीब भगवान सबको बनाए। ये दुआएं देनी बड़ी आती हैं इसको, दुआ बड़ी मजेदार देता है। हाँ। भगवान तुझे खुश रखे, सुखी रखे। मांग भी रहा था ना कि मेरी, अब बंदा ऐसे मांगता ना कि यार मेरी फ्रेंडशिप करा दो, जोली भर दो, पता नहीं क्या क्या। अमीर लोगों में, अमीर लोगों को देख के क्या हो जाता है, मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। क्यों ऐसा? बस कॉन्फिडेंस लो हो जाता है मेरा। देखिए अभी जो समय चल रहा है कोरोना वायरस का, वो कोरोना वायरस अमीर को भी हो सकता है, गरीब को भी हो सकता है, सबको हो सकता है, तो ये सब इक्वल हो गए अभी, कुछ अमीर गरीब नहीं। हाँ नहीं नहीं, बट मैं ना समझ सकती हूँ, क्या है ना चंदू, मैं तब से सोचूं कि जब भी मेरे सामने आता है ये नर्वस क्यों हो जाता है। आई अंडरस्टैंड, तुम्हारे सामने नर्वस और तुम्हारे सामने तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ। पजामे नाड़े वाली बात तुम्हें ना समझाई थी ना, जैसे मैं नाड़े से बेल्ट नहीं बन सकता ना, वैसे तुम पजामे से पैंट नहीं बन सकती। सर अमीर लोगों में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे मान लो मैंने बादाम लेने जाना है। हाँ। बादाम एक अमीरों की डिश है। सामने 4 लोगों को खड़े देखकर मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो मैं बादाम की जगह चने ले आता हूँ। मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपको इसके तुमने बारे। क्या बताना, तुमने तो मेरे बादामों के चने बनाए हुए हैं। सर इससे बड़ी गाड़ी है मेरे पास, तो फिर आप फिर मैं आगे तक नहीं लेकर आता हूँ। क्यों? गाड़ी में फिल्म सिटी के बाहर लगा देता हूँ। क्यों? ये कॉन्शियस कर देते, पैदल आता हूँ। कॉन्फिडेंस ही नहीं है मेरे अंदर। मैं सच में, मेरे को तो डर लगता है, मैं ऑटो वाले को आ दूंगा, ऑटो वाला पूछेगा यार तुमने कहाँ जाना है, घर बैठो जाओ। मेरा तो ये फैक्ट है, नहीं है कॉन्फिडेंस, क्या करें। मैं तो जूते नहीं लेता हूँ तो मैं निकालता नहीं हूँ, मैं ऐसे ऐसे करके बाहर निकलता। चलो कोई बात नहीं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कोई काम नहीं है मामूली, या हर कोई है कूली। हम सबको बोझ उठाना है। क्या बात, तो आप उसको क्या बता रहे हो? ये तो अभी पहली शिफ्ट करके आ रहे हैं देरी स्टेशन से। देख लो लाल रंग की शर्ट तो वहीं से पहन के आए।
सर, इसलिए मैं थोड़ा सा, मैं हमेशा ये सोचता हूँ मैं कैसे अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बढ़ाऊं। मुझे लगता है चंदू आपके अंदर बहुत भरा हुआ है कपिल को कहने के लिए। तो कपिल आप इनके सामने आइए, इनको बोल देने दीजिए। हाँ बताओ जो मन में है बोलो। बचपन का दोस्त नहीं एक सर इसका सांस देखा ना, बोल फिर ऐसे बंदा सुनता है, ऐसे लगता है कि आप उधर से चल गए। चंदू तुम भी दिखाओ ना कॉन्फिडेंस। चंदू आप उधर से चले, आप थोड़ा ड्रामेटिक म्यूजिक दीजिए और आप दोनों साथ चल। गलत चीजें क्यों करता है ये? जूते जो हैं ये पैंट के साथ पहनने वाले हैं, पहले वो आप बोल दो उसको जब आमने सामने। ये महाराजा ब्रास बैंड वालों के जूते पहना है, फिर बोलता है ये जंजीर तो ऐसे लगा के देखी जैसे इसको कोई खोल के ले जाता है। तेरे को किसी ने चोरी करना है? आप म्यूजिक दीजिए, आप लोग चल के आइए। हाँ, आज तो बोल, दिल खोल के बोल यार। दिया चाइल्डहुड फ्रेंड हो? या या या। सर। अरे यार। कॉन्फिडेंस रखना। सर क्या बचपन का दोस्त है? बचपन में क्या बुलाते थे उनको? बचपन में क्या बुलाते? हाँ कपिल। और पेट नेम था कुछ? टोनी। टोनी बुला, टोनी। टोनी। टोनी यही है वो टोनी। जो नहीं है अनहोनी, टोनी बुलाओ। वरुण ये सच बताऊं, ये एक्चुअली ना ये काम सारा कर सकती है। सारा हाँ जी। कॉन्फिडेंस लाना है थोड़ा सा। कॉन्फिडेंस चली जाएगी, वो मेरे को देख नहीं रहा था, मैं कितनी कोशिश कर रही थी। इसके कॉन्फिडेंस के चक्कर में मेरी चली गई। मैं वहां मिर्ची लगा रही हूं, नहीं, ये हमें देखना है आज। आप म्यूजिक दो चलो। ऐसे 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 वॉक वॉक ऐसे वॉक ना। आपकी तो फिल्म आ जानी, इसने मुझे शो से निकाल देना। अच्छा ठीक है, कॉन्फिडेंस के लिए एक और चीज कर सकते हैं हम। आपने कभी किसी मेन स्ट्रीम हीरोइन के साथ डांस नहीं किया है? अच्छा। मान ले तू है कुली नंबर वन, तेरा ओरिजिनल हाँ। लग रहा है हाँ। अब हाँ। कैसे लग रहा है हाँ। हाँ। आप म्यूजिक तो दो यार, रोमांटिक रोमांटिक हाँ। रोमांटिक शर्मा के रहे, वो मेरा जी, काम है जी। हाँ। हाँ। सुहाना। ओहो। मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे देखो, देखो मुझे जिग जा रही है कॉन्फिडेंस। ये भी छोड़ के भाग गया। इसी शो पे लोग छोड़ के भाग गए। सारा सालसा मुझे नहीं करना सालसा। प्लीज प्लीज प्लीज, तेरे को मौका मिला सारा के साथ डांस करने का। मेरा आइडिया है जी, एक आखिरी आइडिया है, और मुझे लगता है इससे एक्चुअली आपका कॉन्फिडेंस बाहर आ सकता है। कैसे? ओके, आप वेरी इमोशनल रोमांटिक म्यूजिक लगाओ। ये करेगा आपके साथ। नहीं नहीं, आजा आजा, देख शर्मा रहा है। नहीं सारा, अभी ये आपकी आंखों में देख के डायलॉग बोलेगा, वो शाहरुख भाई का डायलॉग, रोमांटिक। बताओ चलो। जब भी तुम्हारी आंखों में देखता हूं। आगे मर, थोड़ा पास हो। इतनी दूर से क्या देख रहा है आंखों में? हाँ। जब भी तुम्हारी आंखों में देखता। हाथ पकड़ो दीदी का, रोमांटिक सीन है। रोमांटिक सीन है उधर, कर रहा तेरे को कह रहा हूं। सारा कम के भी करेगा अभी। वरुण के कराओ, मुझे इसकी एक्चुअल भावनाएं निकलेगी। मैं बोल रही हूँ वरुण के साथ कराओ। वरुण आइए। ये क्या हो गया? जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है कि मेरा तुम्हारे साथ जन्मों जन्मों का दिन, तुम्हारे साथ जन्मों जन्मों का रिश्ता है। तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। खुल गया, खुल गया, खुल गया। थैंक यू वरुण सर। सारा का हाथ सैनिटाइज कराओ। कूली जी थैंक यू। कपूर आप मेरे कॉन्फिडेंस का क्या, इसका तो हो गया। अच्छा दिनेश तू आ जरा इधर। और मेरी बात सुनो, उधर स्टूडेंट आ गए हैं, एकेडमी भी चलाने है, चलो आओ चले। ओए सुनो दोनों, तुम दोनों के लिए एक रोल है, मेन लीड हीरो मेन हीरोइन का करोगे? रेडी। सोनी ये है ना जी, उस पे कार्टून सीरीज आ रही है एक। अच्छा अगर तुम लोगों को ठीक लगे तो मैं बात करूं। वहां क्या करना है? वहां पे यही करना जो कर रहे हो।
सारा एक बात बताओ, आपके मम्मी भी एक्टर हैं, पापा भी एक्टर हैं, आपने कब सोचा था कि मैं भी एक्टर बनूंगी? सोचा तो बचपन में था। कितने बचपन में? बहुत ही अभी भी बचपन ही है लेकिन थोड़ा यंग वाला बचपन जो था। अभी आंख मारना सीखी है, उसके टाइम पे आई थी ना, जब भी आंख नहीं मारती सिम्बा के टाइम पे आंख मारनी नहीं आती थी ना। एक बार और बोलो। आंख मारनी बट इसका आंख मारना बहुत मतलब पता चल जाता है क्योंकि मैं फॉरवर्ड लड़की हूं। बट यू कैन यू शुड डू इट स्लाइड। आंख मार रहा है तो बस पता ही चलना चाहिए। एक कपिल बहुत अच्छी तरीके से जिसको मारनी उसी को पता चलना चाहिए, ये थोड़ी सारे मोहल्ले को पता चल जाए। कपिल ने लास्ट टाइम नौरा को किया था, कैसे किया था? क्या आंख आप मारो, एक मारो, मैं दोनों मारता। अच्छा वरुण, दिनेश का एक सवाल है, कहता आपने डेविड सर के साथ दो फिल्में की हैं, पहले जुड़वा की, अब कुली नंबर वन, तो पहले वो फिल्में ठीक नहीं बनी थी जो आप दोबारा बना रहे हो? नहीं, बहुत ठीक बनी थी बट जैसे कि मैं एक एक्टर हूँ तो जो डायरेक्टर बनाना चाहता है मैं खाली सब्जेक्ट सुन के हाँ या ना बोलता हूँ। एंड बिसाइड्स द फैक्ट कि वो मेरे डैड है, पिता है, वो बहुत ही बड़े निर्देशक है, 45 फिल्म्स बनाए उन्होंने, तो उनका मन किया कि वो ये फिल्म ये स्टोरी वापस बोले, एक नए अंदाज में वापस दिखाए लोगों को, क्योंकि उनके हिसाब से उनको लगता है कि आज की जो यूथ है या आज का जो जमाना है, दे डोंट नो हाउ टू लाफ ऑन देमसेल्व्स। राइट, सो ट्रू यार। तो जो एक्चुअली जो किरदार होता है राजू का, जो कॉमेडी होती है वो सब उस पर उसके ऊपर ही होती है। यू हैव टू, यू आर लाफिंग ऑन हिम मोस्ट ऑफ द टाइम। पहले जब जुड़वा आई, जब आपने जुड़वा की, क्योंकि हमने सलमान भाई वाली जुड़वा देखी थी बचपन में, अब के जो बच्चे हैं उन्होंने जुड़वा वो तो मिस होगी ना उनसे, तो फिर जब वरुण ने की, इसीलिए बच्चों में इतनी फैन फॉलोइंग है आपकी, तो वो फिल्में पसंद करते हैं लोग। आई एम श्योर कुली नंबर वन भी लोग बहुत प्यार करने वाले हैं आपकी इस मूवी को। बट वरुण, कैसा लगता है डैड के साथ काम करने में? बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक इसका जवाब सारा बेहतर देगी कि हम दोनों के बीच में क्या क्या होता है सेट पे। क्या होता था सारा? बहुत ज्यादा मजा आता था मुझे, मुझे पता है, मतलब ऐसा नहीं था कि बाप बेटे मतलब काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों को एज प्रोफेशनल्स एक दूसरे के लिए बहुत इज्जत है, विच आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है कि डेविड सर को जो करना है वो उन्हें बहुत अच्छे से पता है। Right. तो वो बस बोलते थे और हम लोग कर लेते थे। कभी कभी वो वरुण पे भड़क जाते थे और उसकी भड़ास मुझ पे भी निकालते थे कभी कभी। जब जैसे ही रास्ते से जा रहा था, मुझे याद है हम दोनों मतलब 5 मिनट लेट हो गए थे, कॉस्ट्यूम का कुछ राड़ा हो गया था, तो मेरे अरे सारा लेट क्यों, अरे वो राड़ा हो गया था कॉस्ट्यूम का, इसीलिए कॉस्ट्यूम का राड़ा हो गया था। मेरी टैकिंग चल रही थी, इसका भी कुछ पैंट वैंट चल रहा था, तो डेविड सर ने वरुण को मतलब चिल्लाया और मैंने बोला डेविड सर से बोला यू डोंट से एनीथिंग, तो मुझे बोला ओ पहली बार ऐसे हुआ था, पहली और आखिरी बार। मैंने कभी डेविड को सेट पर चिल्लाते हुए देखा नहीं। एक बार वो नाराज हो गए थे वरुण पर, बहुत बहुत चिल्लाते, और क्योंकि मैं वहां थी फिर मुझे भी उन्होंने बोल दिया था। लेकिन बहुत मतलब जो माहौल था सेट पर, और डेविड सर कहते भी थे कि मैं प्यार वाली फिल्म्स बनाता हूँ, मजे वाली फिल्म्स बनाता हूँ, अगर प्यार और मजे से नहीं बनाऊंगा तो नहीं बनेंगी। Actually, right. so, और वहाँ का माहौल ऐसा ही था। मुझे याद है जब मैं तेरा हीरो किया था, तो मैंने एक करण जौहर की फिल्म की थी, उधर से मैं डेविड धवन की फिल्म कर रहा हूँ। अभी जो भी फिल्म जगत से जुड़ा हुआ है, दे नो बहुत डिफरेंस है ये दोनों लोगों में, डिफरेंट वर्ल्ड, बहुत डिफरेंस है। तो जब मैं आया था यहाँ पे ना, तो मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे डैड्स एडीज, मेरा भाई इनिशियली, बिकॉज यू नो इट्स नॉट टोटली सॉफ्ट। बट क्या कह के मजाक उड़ाते थे, किस चीज पर? जिस कुछ भी गलत हो गया या फंबल हो गया, अरे नया हीरो है नहीं आता है, और माइक पे माइक पे। सो लिटरली इट वॉज मेरे लिए एक ये चीज थी, मैं बहुत मतलब निराश भी हो जाता था, एंड देन आई वुड टेल किसी और के लिए शायद कभी करते भी नहीं होंगे। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि बट पर्पसली करते थे, टफ लव, राइट। एंड मेरा भाई मुझसे यही कहता था कि योर फादर इज डायरेक्टिंग यू, नॉट योर मदर, रिमेंबर दैट। एंड और एक चीज है कि जब डैड फिल्म बना रहे ना, तो वो सिर्फ ऑडियंस के लिए बना रहे, ही डजंट केयर अबाउट हिज फैमिली, ही डज नॉट केयर कि ये इधर से है या ये उधर से है, ये इधर से आया है उधर से आया, ही डज नॉट केयर। उनका रिलेशनशिप सिर्फ ऑडियंस से, उनकी खुद की एक लेगेसी है वो साबित भी किया उनकी फिल्मों में, जो वो माइंड में रखते हैं। और वो हमेशा कहते हैं कि यार एक फिल्म में सबसे वीक एक्टर हीरो होता है, ये हमेशा कहते हैं मुझे। अच्छा? लाइक मैं इतने किरदार कैरेक्टर्स क्यों रखता हूँ मेरे फिल्म में, ये तो चलाते हैं मेरे फिल्म में, ह्यूमर तभी तो आता है। एंड आई एग्री विद दैट। तो जब भी मैं एक्टिंग कर रहा हूँ विद परेश रावल, विद जॉनी लीवर, और विद राजपाल यादव एंड जावेद जाफरी, इट्स मैजिक, मैजिक, यू आर क्रिएटिंग मैजिक।
वो लोग जस्ट कमिंग अप विद थिंग्स, तो यू हैव टू हैंग इन देयर एंड वरुण एक लीडिंग मैन के मुंह से ये बात सुनना बहुत अमेजिंग. नो इट्स ट्रू. अनयूजुअल. इट्स ट्रू. अच्छा वरुण, मतलब इतने मैच्योर एक्टर हैं अभी, मतलब इतना कुछ आदमी सीखता भी है जब इतनी आप फिल्में कर लेते हो. इस बार इन्होंने जो पापा के लिए बोला, पिछली बार जब आए थे इन्होंने थोड़ा कुछ अलग बोला था. मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ, प्लीज हैव अ लुक. अच्छा आजकल जितने भी स्टार्स हैं सब लोग पहले स्क्रिप्ट मंगवाते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं फिल्म करनी है कि नहीं करनी है. वरुण जब आप डेविड सर की फिल्म करते हैं, अपने पापा की फिल्म, तब ऐसी डिमांड रखते हैं? नहीं मैं रखता हूँ, बट वो सुनते नहीं है, वो अलग बात है. फिल्म खत्म होते होते स्क्रिप्ट मिल जाती है. अच्छा वो क्या बोलेंगे मुझे कि मतलब मैंने आज तक सलमान खान, गोविंदा, अनिल कपूर, इनको स्क्रिप्ट नहीं दिया है, तेरे को क्यों दूंगा? पर डेविड बहुत चिल्ड आउट डायरेक्टर है, तो तुम्हारे साथ चिल्ड आउट है या नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल चिल्ड आउट नहीं है, मेरे को तो बहुत पड़ती है. पड़ती है? एंड फॉर नो रीजन यार. आप लोग प्लीज बोलो उनको क्या मतलब, मुझे तो बहुत डांट पड़ती है. पर हमारे साथ तो बड़े चिल्ड आउट है, सो इजी टू वर्क विद हिम. ही इज गुड. ही इज मतलब पता नहीं, मे बी जो उनके फैमिली में नहीं है तो उनको पसंद आते हैं. तो इस बात का किसी ने जवाब दिया है, मैं आपको वो भी दिखाना चाहता हूँ, प्लीज. डेविड, गुड इवनिंग कपिल, अर्चना. हाय. अरे एक मिनट, मैं अपने घर में हूँ यार. हाँ तो मैं क्या है कि लोग बोलते हैं कि मैं स्क्रिप्ट देता नहीं हूँ या आज के जनरेशन को नहीं देता, पूरी स्क्रिप्ट के बिना करते नहीं है. एक्चुअली क्या, मैं कभी स्क्रिप्ट किसी को दिया ही नहीं, क्योंकि मेरे पास इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ काम किया है, मुझे जरूरत नहीं पड़ती थी. बट अब इन लोगों को स्क्रिप्ट चाहिए, ये लाइन क्यों बोलूँ, ऐसा क्यों करूँ, मतलब इम्प्रोवाइजेशन तो करना आना चाहिए ना. ये सब हम लोग तो सोच के जाते हैं, मेरी टाइप की कॉमेडी तो ऐसा ही होती है ना. कपिल भी जानता है ना, ऐसा ही करता है शो में भी, मुझे लगता है तू कर रहा है. लवली, क्या बात है यार. फिर से क्या बोला, इन लोग कौन लोग? मैंने कुछ नहीं बोला. मैं कुछ नहीं बोला. मैंने कुछ नहीं बोला. मैं आपकी वजह से फंसती हूँ पता है, हमेशा हर जगह. अरे यार तू मेरे को आप क्यों बुला रही इधर, मेरे को समझ नहीं, वरना बाहर तो इतनी गाली देती, इधर आप बुला रही. तू नहीं बोला यहाँ पे अच्छे से बिहेव कर. हो गया अभी. अच्छा ठीक है, बोला ना यहाँ धीरज रख, अच्छे से बिहेव कर, चिल्लाना एक नहीं, गाली नहीं देना है ना पाजी. ये जब सारा ये ग्लास मार, ये हमेशा ऐसे ही करता है. अरे क्यों आंख मार रही सारा? पर मैं सीख गई ना? तो अब बेटा अच्छा. सीख गए तो ये थोड़ी हर जगह मारनी है. वो तो उस समय मारनी थी ना. हाँ. और इसका मीनिंग कुछ और होता है. हाँ. अरे अभी आंख मारना सीखे, मास्क पहन के मारते हो, किसी को पता नहीं चल रहा है. अच्छा मैम आपको पता है, स्टार्टिंग में वरुण अपने पापा को भी डेट नहीं दे रहे थे फिल्म के लिए. फिर मैं तेरा हीरो की इन्होंने, उसके बाद बैक टू बैक अभी इनकी तीसरी फिल्म है. तो डेविड सर को आपका काम सच्ची में पसंद आ रहा है या आपको कोई उनका राज मालूम चल गया? ओह गॉड. नहीं ये सवाल थैंकफुली आपने पूछा है, किसी और ने नहीं. बट जेन्युइनली जब आप किसी के साथ काम करते हो और वो चीज चलती है, हम लोग ने साथ में दो बहुत बड़ी हिट फिल्में दी है. राइट. सो इट ओनली मेक सेंस टू डू अनदर वन. अच्छा सारा, आपने अभी कहा कि आपने पानीपुरी बड़ा मिस किया और वो चाट भेल ये सब, तो हमने कुछ आपके लिए मंगवाया है. लेकिन ये ध्यान में रखते हो कि आप एक स्टार हैं, तो पानीपुरी वाला भी जो है हमने स्टार ही अरेंज किया है. सच? आपको बताते हैं, प्लीज लेके आइए, जल्दी लेके आओ दादा. ओ बस, थैंक यू दादा. ये गमछा दे दो वरुण सर को. चलिए ये रहे आपके पानीपुरी वाले भाई साहब, और जो आपका मन करता है दादा आप इधर आ जाओ. और सुनाओ, वहां से यहां से आ रही हूं. पानी पूरी, सेव पूरी, भेल पूरी, बटर चिकन नान, आ जाओ कर लो स्नान. पानी पूरी भैया जी, पानी पूरी कैसे देते हैं? गुस्से में देते हैं. भैया जी कहने वालों को. किस नाम से बुलाया आपको फिर? मंगेतर जी. हमारा पूरा नाम है मंगेतर जानू, आप हमें जानू भी कह के बुला सकते हैं जी. हम पानी पूरी खाने आए हैं, फ्लर्ट करने नहीं, तो आप प्लीज खिलाएंगे क्या? पानी पूरी. हाँ जरूर. कैसे पानी पूरी लेंगे आप, खट्टा, तीखा, मीठा या इम्यूनिटी वाला? इम्यूनिटी वाला क्या है? वो पानी की जगह हम लोग सैनिटाइजर डाल के दे देते हैं, और भैया जी कहने वाला जो कीड़ा है ना वो मर जाता है. आप हमें खट्टा दे दीजिए. खट्टा? हाँ जी हाँ जी, खट्टा. Hmm.
दादा ये पानी पूरी कब बनाई आपने इतनी बड़ी? रेडी मेड है। अच्छा और खट्टा आंख मार रही है। और खट्टा। थोड़ा और खट्टा। मैडम वो ग्लव निकाल के बनाना पड़ेगा फिर। ये हम खा लेते फिर। खा लो। कैसा था? सैनिटाइजर वाला था। काफी अच्छा। भाई दादा थैंक यू शुक्रिया। एक बार वरुण और सारा के लिए जोरदार तालियां। ये दादा ले लो। हाँ थैंक यू दादा। ये जो सारा ये जो क्रिएटिव था ना पूरी पानी पूरी ये सब ये अर्चना जी का डलवाया हुआ था। इट वाज फन। बोलती कभी कभी तो ऐसी चीजें मंगवाया करो सेलिब्रिटीज को अच्छा लगता है। बट ऐसी कोई डेट होगी तो बहुत अच्छा होगा। वुड यू लाइक अ डेट लाइक दैट? आई वुड लव। उस दिन मेरे को याद आ गया अर्चना जी पानी पूरी खा रही थी बड़ी वाली पूरी में ऐसे कुर्च करके थी। मैं तो सबसे बड़ी वाली खाऊंगी। कहता मैडम ये भटूरा है। तो कोई बात नहीं इसमें चने डाल दो। सारा आप दोनों ने फिल्म की है कुली नंबर वन। हाँ जी। तो मैं आपको ना कुछ टाइटल दूंगा नंबर वन आपको बताना है कि ये किस पे सूट करते हैं अपनी इंडस्ट्री में। आलसी नंबर वन। आलसी नंबर वन मैं बोलूंगा श्रद्धा है। श्रद्धा क्यों? श्रद्धा का क्या होता है कि अगर हम लोग कोई प्लान बना रहे हैं किधर जाने के लिए लाइक इफ यू आर गोइंग एनीवे आउट तो श्रद्धा बोली वी हैव टू गो आउट वी हैव टू गो आउट ओके यू आर रेडी एंड ऑल सो आई विल पिक यू अप। तो मैं फोन करता हूं बोलते नहीं नो या आई एम स्लीपिंग नाउ एंड आई एम विद शाइलो उसका जो कुत्ता है बोलता है आई एम विद हिम एंड ही इज वेरी स्लीपी। आई सेड ही इज स्लीपी उसको सोने दो ना उनको बाहर जाना है उसको क्या करना है। आलसी नंबर वन। आलसी तो कोई है नहीं बना रहते नहीं है ज्यादा देर। अगर आलसी हो तो अगर हो तो हां मेहनत करनी पड़ती है। ओके फेकू नंबर वन। आई थिंक जुनू। कौन? जुनू जुनू चोपड़ा रवि चोपड़ा सन। अभी उन्होंने एक फिल्म बनाई थी भूतनाथ फिर अच्छा। उन्होंने अभी पति पत्नी और वो प्रोड्यूसर है। ओके तो वो फेकू क्यों मतलब वो फेंकते हैं कैसे बड़े बड़े तो वो स्टाइलिश नंबर वन। स्टाइलिश अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन आई थिंक रणवीर इज वेरी स्टाइलिश। रणवीर ओके। कंजूस नंबर वन। मैं मुझे लगता है मैं कंजूस शायद से मैं। हाँ आई एम स्टिंजी आई एम चीप I like free things. Late Latif number one. Alia. Alia. Yeah. Okay. Flirt number one. Karthik. 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 Huh? Do you think? Hello. आप इस नंबर पर संपर्क करना चाह रहे हैं वो permanently switched off है। कृपया नंतर try करा। नंतर भी मत try करा। हाय वरुण अंकल। हाय हाय वरुण अंकल। मैं क्या बोल रहा था ना मेरे को जवाब दो। मैं बात सुनो ना। मैंने पहले पूछा ना तुम दोनों ऊपर क्या कर रहे हो नीचे आओ पहले। वाह दो एपिसोड में बच्चे ऊपर के आ गए बड़ों को तकलीफ हो रही है। Look at your ties. Hi. Hi. Hi, guys. Oh, Varun Dhawan. कैसे हो? Yeah, Varun. Oh, तेरी. How is it going, guys? Yeah, good going, good going. Very, good. Very nice. Yeah. क्या बोला तू? तेरी हाँ वो मेरी मेरी तो क्रिसमस है क्रिसमस। हाँ ठीक है तेरी मेरी क्रिसमस मेरी क्रिसमस मेरी क्रिसमस मेरी सारा मेरी सारा मेरी क्रिसमस। ए शांति से बात करना। क्यों सारा ये मैं सारा से बात करूंगा? शांति को मैं जानता ही नहीं हूँ मैं शांति से क्यों बात करूं? जब जानता ही नहीं तो क्यों बात करूं? वाह लेकिन सारा देख नहीं मेरा सोशल डिस्टेंसिंग में भी इतना दूर से भी कितना क्यूट लगती है ना। सारा मैम आप मेरे साथ डेट पे चलो। ओह माय गॉड कहाँ जाना है? मेरे साथ डेट पे चलो। कहाँ कहाँ? कहीं भी जैसे मतलब we can go anywhere। ऐसी बातें कर रहा है वरुण क्या सोचेगा? हाँ वो सॉरी मैं आपके वरुण सर आपको चॉकलेट अच्छी लगती है? चॉकलेट चॉकलेट हाँ ठीक ठाक है। हाँ तो थोड़ा बाहर जाके चॉकलेट खरीदो ना मुझे।
मैं हम लोग थोड़ा बातचीत करनी थी. असली है? हाँ, इट्स वेरी रियल. इसे रख लिया है कि आपका चॉकलेट कभी नहीं आ रहा. कभी नहीं आ रहा. शर्म नहीं आती? बच्चों की ऐसी बातें कर रहे हो. अरे काहे के बच्चे, मैं तो 12 साल में 18 का होने वाला हूँ. और मैंने तो डिसाइड भी कर लिया, मालूम है कि वोट किसको डालना है. ऑलरेडी? यस. किसे? किसे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कीप इन टच. सरकार बना दूंगा. सच्ची में 100-200 बच्चे मेरे दोस्त हैं. यूथ आइकॉन हूँ मैं. यूथ आइकॉन. हाँ जी. करो ना डेट पे प्लीज ना. अरे कहाँ तू, कहाँ सारा? मैं यहाँ, वहाँ सारा क्या दिखने रहेगा तुझे? कुछ नहीं. अरे खुद को देखा है क्या तूने? मैं आपको सच बताऊँ? नहीं. मैं सारा को आपके सामने इन्होंने भेजा है. देखो, थैंक यू बोलो. डेट पे जाना था ना? देखो आप इधर बैठे ना सोफा पे. इट्स ओके. ओह गॉड, आप इतना नजदीक से और क्यूट है. कितना क्यूट है. एक्चुअली ना ये मैं ना अपने आप को ना अभी ऐसा, अभी आप जैसे मुझे देख रहे हैं ना. इफ यू लूज वेट वी विल गो ऑन डेट. फिर तो वक्त कभी भी नहीं होगा. मैं आपको बताऊं, मैं अपने जानबूझ के मैंने अपना बचपन ना ऐसा थोड़ा डेविड धवन टाइप का रखा है. लेकिन बड़ा जब मैं होगा ना, मैं एकदम सेम वरुण धवन टाइप का. ओह हाउ स्मार्ट. ओए चलो, अभी तुम्हारे बड़े होने में टाइम है, चलो स्कूल जाओ. और अरे यू विल गेट लेट. ओह वाओ, ये तो बैक टू बैक देखो कैसे कर रही है. और मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ सर, स्कूल में जाने का जरूरत नहीं है मुझे. मैं बहुत कुछ भी पूछो मेरे से, कुछ भी पूछो, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी. सारे जवाब इन योर पेट. चलो न्यूटन का लॉ बताओ. हम क्यों बताएं, हम उसके नौकर लगे हैं क्या? हाँ, इसको कुछ नहीं आता. न्यूटन यार, वो एप्पल वाला न्यूटन. मेरे को पता है न्यूटन का लॉ. तो वो बिगिनिंग का थोड़ा थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, लेकिन एंड का एकदम याद है. बोलो. एंड का सुना दे चल. और इसे कहते हैं न्यूटन का लॉ. सुना दिया, सुना दिया. आप तो डेट पे जा सकते हैं ना अब. हाँ, तुम लोग अभी बहुत छोटे हो. हाँ तो छोटी वाली डेट पे भेज दो. मेरा मतलब है तुम लोग अभी बच्चे हो, अभी सारा बड़ी है तुमसे. हाँ तो कोई बात नहीं, हमें जोड़ दो, एक जवान तैयार हो जाएगा. तू कितना फनी है यार, तू कितना फनी है. तू कॉमेडी क्या कर यार, तू बहुत फनी है, बहुत अच्छा करता है. तो अभी मैं डेट पे जा सकते हैं ना? एक काम करेंगे हम लोग, बारी बारी डेट पे चलते, ठीक है? बारी बारी. हाँ, पहले मैं डेट पे जाता हूँ, फिर तू डेट पे चले. वो वरुण को छोड़ के तुम लोगों के साथ क्यों जाएगी? अरे हाँ सर, मैं वरुण सर. वरुण सर, आपको चॉकलेट अच्छी लगती है ना? नहीं, वो कर लिया ऑलरेडी. नहीं नहीं अच्छी लगती. हमको चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है, ले आओ ना थोड़ी. सारे पैसे रखने वाला है, आपको चॉकलेट नहीं मिलने. अंकल बंद है तो अभी फ्री में पैसा मिल रहा है, वो तो रख लेते. थोड़ा सा अगर लेके आ जाओ तो क्या, अकेले में धरी नाम. हाँ बारी बारी डेट पे चलते हैं. नहीं, पहले डेट पे मैं जाऊंगा ना. पहले मेरे को जाना. पहले मैं जाऊंगा ना. मैं जाऊंगा. मैं क्यूट कौन है यहाँ पे? मैं ठीक है, तू जा और मैं वेटर बनूंगा. ओके, मैं डेट पे. आप इधर आ जाओ ना. इधर से इधर चले जाते हैं. रेस्टोरेंट इधर चले जाओ. सेफ नहीं है. चंदू का ढाबा. कम कम कम, आ जाओ ना. आई कांट कम. ओके, आप आए ना मैम, आप अकेले जाइए. ओके, आपकी आंखें आसो इंटॉक्सिकेटिंग. आई एन टी ओ एक्स सी आई केटिंग. हेलो मैम. हेलो. हाय. आप खाने में क्या लेंगे? क्या देंगे? एक मिनट, एक मिनट. खाने में जो है ना वो लेके आ जाओ. वैसे उनको खाना नहीं है, उन 3-4 सेल्फी लेंगी खाने के साथ बस. बाकी का खाना मुझे ही खाना है, ठीक है? नहीं, मुझे खाना खाना है. आप खाएंगी? हाँ, मैं सब खाऊंगी. हाँ तो ठीक है, एक मिनट इधर आके ऑर्डर लेना. साइड में इधर आ, इधर आ, इस तरफ आ. बोल बोल. ओके, आई विल ऑर्डर. यू विल हैव टी? यहाँ की चाय ना बहुत फेमस है. आप मुझे 200 रुपए देंगी ना, यहाँ की बेस्ट चाय पिलाऊंगा मैं आपको. बेस्ट चाय. पैसे नहीं है? नहीं तो मैं फिर ऑर्डर करता हूँ, कोई नहीं. ओके वेरा. हाँ, हमारे लिए ना जो एकदम कड़क सी चाय लेके आओ, ऐसी चाय जिसको पीने से तन बदन में एकदम आग लग जाए, मतलब पूरा एकदम शरीर ना जुटे, ऐसी चाय ले आओ. सर हमारे यहाँ भैंस के दूध की चाय बनती है, नागिन के दूध की चाय नहीं बनती. इसको वेटर किसने बनाया? Who is this waiter? मैं अच्छा वेटर नहीं कर रहा हूँ. बेकार एकदम है ना, बेकार कर रहा हूँ. एक काम कर, तू वेटर बन ना, मेरे को डेट पे जाने दे. मैं वेटर बनता हूँ. ओके, यस, व्हाट वुड यू लाइक? ये और नजदीक आ रहा है ये वेटर बनकर. इधर रहो. हाँ बताओ, खाने में क्या है? खाने में क्या क्या है? खाने में कुछ नहीं है सर, मैं सारा खा गया.
मैं सारा खाना खा गया अंदर, लेकिन मैंने आपके लिए रखा है खाना। मुझे लगा आप सारा खा गए। नहीं नहीं, आई एम नॉट अ राक्षस। क्यों इतनी बड़ी हूँ? नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा सोची हूँ कि मैं? एनीवेज, बट आई हैव गॉट फूड इनसाइड, मैं आपके लिए रखा है, आप आओ ना अंदर। अरे वो नहीं जाएंगे अंदर, चलो तुम बेटर हो ना, चलो मेन्यू दो। ये लो, ये लो मेन्यू। एक काम करो, फिर ये लेकर आओ। ये लो, ले आया, खा लो। सुपर। बिल्कुल टेस्टी नहीं है। जाओ तुम, प्लीज, वी नीड सम स्पेस। अच्छा, ये जो स्पेस है वो आप चांद तारों के साथ लेंगे कि मंगल ग्रह के साथ? सर, ज्यादा बकवास नहीं करना। देख, दिखने में मैं जितना इनोसेंट और स्वामी टाइप का लगता हूँ ना, अंदर से उतना ही मैं गोविंदा टाइप का हूँ। हमारे यहाँ पे कोई भी आके आपको बोलेगी मैं बच्चा हूँ, ये वो, से सब सिर्फ दिखाने के लिए होता है। अंदर से तो सब 50-50 साल के हैं। अच्छा है, आप मेरे से भागे। मुझे पता था जो भी मुझे डेट पे ले जाता है वो भाग जाता है। कोई ना कोई बहाना करके सारे के सारे भाग जाते हैं। किसी को खाने से प्रॉब्लम होती है, किसी को वेटर से प्रॉब्लम होती है, सबको प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? आप बस और क्या क्या प्रॉब्लम होती है आपको तो पता ही होगा। मुझे, मैंने तो सुना है आप जो बोलते रहते हो कि यार मेरे को बताओ। बता दो। मैंने कभी डेट नहीं की, मैंने सीधा शादी की। मुझे पता नहीं था प्रोसेस ये भी होता है डेट पे। सारा बड़े डेट्स पे गई है। यू गॉन ऑन डेट्स? मैं बड़े डेट्स पे नहीं गई, छोटे डेट्स पे गई हूं। शट अप। बट क्या हुआ है वो डेट पे, वो तो बता दो, होता क्या है? फनी डेट को बताओ ना। कभी कुछ हुआ नहीं है क्योंकि भाग जाते हैं, मैंने कहा ना। तो नो, बट वेयर यू लाइक टू बी टेकन टू अ रेस्टोरेंट और फॉर अ मूवी, और मतलब what does the guy you have to do to date Sara Ali Khan? Nothing, just don't run away. that's usually enough. kuch hua hi nahi hai, matlab yaad laik to nahi, inshallah ek din. Varun, tum jab date par le jate ho to tum kya karte ho? kya karte ho? main jab date pe le jata hu to main kya karta hu? batao. मतलब क्या? बोलो बोलो। मैं बड़ा सा सॉफ्ट स्पोकन इंसान हूँ, तो मैं ज़्यादा मैं शर्माता हूँ। और फिर जो लड़की को करना है मैं वो कर लेता हूँ। जो भी वो जो भी कहे, अपने जैसा ढूंढ लो हमारे लिए प्लीज। हमें भी जो भी करना है। कपिल भाजी यार, ये शो पे जब भी मैं आता हूँ ना, मुझे बहुत मजा आता है। क्रिसमस का मौका है, इसलिए कुअर के अंदाज में मैं आप सबके लिए थोड़े से गिफ्ट्स लेके आया हूँ। आई लव गिफ्ट्स। कूली नंबर वन की तरफ से सारे कपिल शर्मा शो के स्टार कास्ट के लिए गिफ्ट्स, हमारे सांता क्लॉज, प्लीज आइए आप। वाओ, सांता क्लॉज भी है स्टार कास्ट? प्लीज गो। थैंक यू। काफी पतले सांता क्लॉज है हमारे। कोरोना वायरस के वक्त उन्होंने भी बहुत डाइटिंग की। सारे सांता बुजुर्ग क्यों होते हैं? गिफ्ट्स लेके आए हम आप सब के लिए। गिफ्ट। वाओ, सारा आओ, आप भी, आपको भी एक गिफ्ट दिलाता हूँ, आ जाओ। पहले तो ये कृष्णा के लिए। अरे वाह, मुझे पता है कि आपको पैसों की बहुत लालच है, तो इसलिए आपके लिए एक करोड़ का चेक। अरे वाह, सपना बैंक से, क्योंकि ये सपना है। मतलब ये भी कैश नहीं होगा? नहीं, मतलब सपना रह गया। कीकू, हाँ भाई, ये गिफ्ट भी आपकी तरह बहुत बड़ा है। एटलीस्ट बॉक्स तो बड़ा है। ये भी आपके लिए आया है, इसमें एक नेक टाई है, नेक होल्डर है, क्योंकि जो आपकी गर्दन है बहुत अंदर है, तो इससे आपकी गर्दन बाहर आ जाएगी। ओके, थैंक यू, लेट्स ट्राई। और ये बहुत ही स्पेशल गिफ्ट है, सांता क्लॉस ने खुद नॉर्थ पोल से भेजा है ये। वाओ, आपको बड़ा पसंद आएगा। ये है
बेस्ट एक्टर का अवार्ड हमारे अपनी सिमोना के लिए. सेंटा सबको खुश करना चाहते हैं, इसलिए आप भी खुश रहिए और सपने देखते रहिए. ओहो ओहो चंदू, बिल्कुल चंदन की तरह. देखो ये बड़े हार्ट्स छोटे छोटे आपके लिए हम लोग ने सजा रखे हैं. बिल्कुल खोल के देखना चाहोगे आप? जी जी बिल्कुल. हाँ अरे खोलिए. क्या है? How to build confidence. ये आपके लिए है क्योंकि एक दिन मैं चाहता हूँ कि ये शो आपका हो और कपिल आपके लिए एंट्री करे. वाओ सेंटा का काम है खुश करना. अर्चना जी यू नॉटी गर्ल, ये आपके लिए क्योंकि आप मगरमच्छ पे बैठ के आती है तो दीज आर योर चप्पूस. चप्पूस भाई तो बहुत काम आएंगे यार. अब मुझे अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा. चप्पू मिल गया. थैंक यू कप्पू. दिस चप्पू इज फॉर यू टू कीप क्वाइट नाउ. अरे ये बहुत ही स्पेशल गिफ्ट है सिद्धू जी के लिए. ये भी मैं अर्चना जी को दे देता हूँ. उनकी कुर्सी आपने पहले से ही ले ली. ये भी ले लो. उनका गिफ्ट भी ले लो. इसमें क्या है? इसमें ये बंद है. ये बंद है उनकी तरह. खोलिए खोलिए. सांप है इसमें. नवजोत फॉर यू. वैसे उनको जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप. इसीलिए आपको दी कहते हैं ये भी पढ़ दो सारा कुछ ले लो. उन्होंने एक टिकट भी भेजी थी पता है इलेक्शन वाली. वो कहते हैं इलेक्शन भी लड़ ले अर्चना, हमें नहीं चाहिए कुछ. और ये आखिरी में कपिल शर्मा के लिए जो सबको हंसाते हैं, खुद काफी फिट बन गए. बट कपिल मैं जानता हूँ कि आपको बहुत वक्त से सिक्स पैक चाहिए. और लास्ट टाइम मैंने देखा था नौरा जी के सामने जब आप पेट बना रहे थे, मुझे पता है आपकी अंदर की ख्वाहिश है और ये अंदर की ख्वाहिश अंदर नहीं रहेगी क्योंकि मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक सिक्स पैक टी-शर्ट. बस बस इसी के सहारे तेरे सिक्स पैक बनेंगे, वैसे तो नहीं बनते तेरे. हाँ और ये आखिरी वाला गिफ्ट ये सारा के लिए है. ये गिफ्ट सारा का सारा ये मेरे लिए भी लाए. हाँ मिस्टेक से ले आया मैं. बट ये खुल रहा नहीं है. ये जरा चंदू चंदू जी मैं चाहता हूँ कि ये गिफ्ट आप ही बताइए क्योंकि मुझे मैं खुद नहीं जानता है इसके अंदर क्या है. नहीं नहीं मैं देखना चाहती हूँ वरुण क्या लाया हो आप. इसके अंदर एक दिल है क्योंकि सारा के पास दिल नहीं है. ये मैं क्या सुन रहा हूँ सारा. आप रखो. हार्टलेस. एक बार जोरदार तालियां वरुण और सारा के लिए. वरुण सारा इतना मजा है आप लोगों से बातें करके. तो दर्शकों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुली नंबर वन रिलीज हो चुकी है और आप देखिए अपने परिवार को दिखाइए, बड़ा मजा आने वाला है. और वरुण सारा आप लोगों से अभी बातें पूरी खत्म नहीं हुई है हमारी, और बातें हैं और करते हैं और साथ में कल बुलाएंगे इनके बाकी जो स्टार कास्ट है उनको. तो बहुत मजा आने वाला है. सो आप लोग यहाँ पे आज रुकने वाले हो यही पे? यस यही पे. ओके गाइस सी यू टुमारो. गुड नाइट. शुभ खैर. थैंक यू. चलिए भाई ये सारा ले जाओ. अर्चना जी सोएंगे किधर? देख लो ना यार इधर कहीं. अर्चना जी ताला मार के ना तो आप रख लेना चाबी. अर्चना जी आप ही जा रहे? चलो खाली फ्रूट्स खाना पड़ेगा पूरी रात. चलो ठीक है. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.